الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين آمين ربنا افتح علينا उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे आज रमजान की चौथी नश्यत है जिसमें हम इनशा सूर्य बकरा पढ़ने जा रहे हैं शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने सूर्य बकरा के तारु के सिलसिले में आ, एक नश, आ, वीडियो शेयर की है और इसमें यह के आप जानते हैं बकरा जो है फातिहा के फौरन बाद की सबसे तवील सूरत है और मजामीन के अतबार से देखें तो पहली सूरत है और क्योंकि सूर्य फातिहा के जमीन में हमने देखा कि सूर्य फातिहा कुरान पाक के शुरू में ही एक पेश लफ्ज की तरह पूरे कुरान का कि एक तरीके से सॉरी समरी है और ये कि उसके गर्ज बताती है तो सूर्य बकरा शुरू करते हैं सूर्य बकरा की फजीलत अः सूर्य बकरा पढ़ने की फजीलत बहुत आई है एक हदीस मुझे मेरी नजरों गुजरी तो मैं शेयर कर लेती हूँ बकरा की फजीलत के बारे में है अहमद की हदीस है और हदीस का नंबर है आठ हजार चार अस्सी बाब इसका सूर्य बकरा की तफसीर और उसके फजाइल का बयान सयदना अबू इमामा अमामा रज बयान करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कुरान मजीद पढ़ो और सीखो क्योंकि सरमायामत पढ़ने वालों के हक में सिफारिश करेगा और दो चमकदार सूरतें यानी सूर बकरा और सूर आल इमरान पढ़ा करो क्योंकि ये रोज़ क्यामत दो बादलों या दो सायों की मानंद होंगी या ये पर फैलाए हुए परिंदों की के दो गौलों की मानंद होंगी और अपने पढ़ने वालों का दिफा करेंगी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूर बकरा पढ़ा करो उसे हासिल करना बाई से बरकत है और उसे छोड़ना बाई से हसरत है और जादूगर इस पर ताकत नहीं रख सकते यह हदीस है मुस्त अहमद की और नंबर है इसका आठ हजार चार सौ अस्सी तो हम शुरू करते हैं सूरह बकरा आऊज बिललाहि ना शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अच्छा शुरू में ये पहली आयत जो है अलिफ लाम मीम ये हुروف मुक्तात पर مشتمل है और अक्सर मुफस्सरीन का ये बयान है कि ये हुروف मुक्तात मायने कोई नहीं जानता अलबतः एक तर में है कि आ, उस जमाने की शायरी में अरब आर, शायरी में इस तरीके का रिवाज था कि इस, इस तरीके से कुछ हरूफ इस्तेमाल किए जाते थे और वो अः काफी फ्रिक्वेंटली उस जमाने की शायरी में आ, ये हरूफ इस्तेमाल किए जाते थे तो ये इससे लोग मानूस थे इसलिए इसके मायनों के बारे में आ, सहाबा इक्राम के दरमियान भी कोई डिस्कशन हमें नहीं मिलती या तो वो इससे म, आ, मानूस थे उस, आ, उस जमाने की शायरी में क्योंकि इस तरीके से हरूफ इस्तेमाल होते थे या फिर ये कि दूसरा जो मौकफ है कि इस आ, हुरू, इन इनफ मत के मायने कोई भी नहीं जानता तो दो राय है आगे चलते हैं दूसरी आयत दलिकल किताबू लाराई बफी हदल मुतकीन अच्छा मायनों मायनों के हिसाब से देखें तो ये हमारे लिए कुरान पाक की पहली पहली आयत है ओपनिंग सें, सेंटेंस है मजामी जो मजामीन की वाली सूरतें हैं उसमें पहली सूरत और पहली सूरत का पहला आ, स, आ, आयत है और इस इसके जो इसका जो स्लूब है वो भी हमें बताता है कि ये क्या हिकमत है बकरा की, की इस आयत को पहले लाने में कि लाई बफी मुतकी इसमें जो बलागत है शुरू में ही इंतहाई बली अंदाज में बताया कि वो किताब जिसके जिसमें कोई शुक शक वे की कोई गुंजाइश नहीं और हिदायत है परहेजगारों के लिए तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सूर फातिहा में फातिहा में जैसे सिरातल मुस्तकीम हम हिदायत तलब करते हैं और एक दफा नहीं रोजाना हर नमाज में हर रिकत में हम सूर्य फातिहा की तलावत करते हैं हिदायत तलब करते हैं और जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो अगली ही सूरत में ये बताया जाता है कि ये ये बयान है कि ये वो किताब है जो जिसमें कोई श, श, शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं और हिदा, आ, हिदायत है रहनुमाई करती है परहेजगारों की हिदायत है परहेजगारों के लिए मुतकीन के लिए तो अब हम इस आयत का आ, तफसी मुताला करते हैं मैं इस, आ, अगेन आ, ग्रामर की तफसील में तो नहीं जाऊंगी लेकिन हाँ इसको हम आ, देखते हैं इन अल्फाज को क्योंकि हम हमारा जो पहला मरहला होता है वो आयत आ, आ, का मफहूम समझना और फिर उससे जो सबक और नसीहत हासिल होती है तो अः जैसा कि मीम तीन हरूफ हैं है मुखात हैं मायने नहीं हमें मालूम लेकिन जो उसके बाद दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु किताबू जो है यहाँ ज़ालिका इसमें इशारा बीद है यानी के इसमें इशारा जो कि दूर की चीजों की तरफ इशारा करे वो इसमें जो कि दूर की चीजों की तरफ इशारा करे यानी इसका मतलब हुआ वो किताब अब इसके मुकाबले में जालिका के मुकाबले में हाजा होता है हाजा का मतलब हाजा इसमें इशारा करीब है और हाजा का मतलब है ये तो अगर हाजल किताब होता तो उसका मतलब होता ये किताब तो uh, हाजा के बजाय जालिका क्यों इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे ज़ालिकल किताब वो किताब क्यों इस्तेमाल हुआ है इसक, इसकी दो वजुहत हो सकती है एक तो ये जब सूर बकरा मदनी दौर के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई तो उस वक्त यानी कि मदनी दौर के बिल्कुल इब्तदाई दौर में अभी बहुत सारी सूरतें नाजिल होना बाकी थी और उस व, उस वक्त तक नाजिल होने वाली मक्की सूरते ज्यादातर साहबाक्राम के हाफजे में महफूज थी या, द, या उन्होंने दरख्तों और चमड़ो की छालों पर लिखा हुआ था जो उस वक्त तक के में हम पहले कर चुके हैं कि ये मदनी दौर इसके ज्यादातर बेशतर हिस्सा जो है वो मदनी दौर के इब्तदाई मदनी जिंदगी के इब्तई दौर में नाजिल हुआ है और आ, आखिर की आखिर का कुछ हिस्सा जो है वो आ, मदनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुआ है तो जब ये सूर्य बकरा नाजिल हो रही थी तो उस वक्त तक तो कुरान पाक की जो नजूल है वो पूरा नहीं हुआ था कंप्लीट नहीं हुआ था और कुरान पाक की तदवीन किताब की सूरत में भी नहीं हुई थी जाहिर है लिहाजा आ, इसका मतलब इसका इसका इसकी यहाँ पे जालिकल किताबों अः यानी कि जालिका कहने की वो किताब कहने की एक वजह यह हो सकती है कि वो किताब जो मुस्तबिल करीब में मुरतब होगी और दूसरी वजह यह हो सकती है कि जालिका कहने की कि वो किताब जो कि मखनून या लौहे महफूज में मौजूद है कुरान पाक की दूसरी आयत में आया है ना कि ये आ, जो असल कुरान है असल कुरान है वो उम्मुल फ़ी उम्मुल किताब फी किताब, लदैन हमारे पास तो आ, ये जो असल कुरान की जो असल है इस कुरान की असल जो है वो उम्मुल किताब में किताब मखनू में सूरह वाकिया में बयान है कि इन नहुला कुर करीम फी किताब मखनू तो इसकी जो असल है वो आ, आ, साथ में आसमान पे लौह महफूज में किताबनून की सूरत में है तो ये भी हो सकता है कि किताबों में बीद जो इशारा बीद का आ, इसमें इशारा बीद इस्तेमाल हुआ है वो इसलिए इस्तेमाल हुआ अच्छा इसकी एक तोी ये भी हो सकती है कि वो किताब जिसकी हमत इंसानी से मावरा है बद अक्ल बदस ख्याल है यानी कि इसमें जो हमत हिकम, बयान हुई है इसमें कायनात की जो हकीकतें और असरार और रमूज बयान हुए हैं वो इंसानी जहन इसके अक्ल श से बहुत दूर यानी बे दस अक्ल है इसलिए बलागत के असूल के तहत इसको जालिका यानी इसमें इशारा बीद के साथ पुकारा गया है तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है आ, फिर अगली आ, 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 आयत में जो अल्फाज हैं ला फी। इसमें कोई शक नहीं इसमें कोई शक नहीं आ, इसकी भी तप, आ, इस, इसमें, इसमें कोई शक नहीं या इसमें अच्छा इसमें ला रहीबा जो है आ, ये ला जो है वो ला नाफिया नाफियाजेंस है कैटेगोरिकल निगेशन है यानी कि इसमें कोई व शुबे की गुंजाइश हो ही नहीं सकती ये जो इसमें ला ला है और उसके बाद जो एक मंसूब इसम आ रहा है मंसूब इसम आ रहा है तो ये जब आता है तो इसका इसको कैटेगोरिकल निगेशन कहते हैं लानाफिया लिलजिंस तो ये कि इसमें तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश हो, है ही नहीं अच्छा इसकी तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन भी दो तरह से हो सकती है एक तो यह कुरान पाक में जो कुछ कायनात और ज़मीन के और इंसानी तारीख के मुताल बयान हुआ है इसके अलावा अक़ायद के सिलसिले में अल्लाह की आ, ने आ, जो अपना तारुफ बयान किया है कुरान पाक में कयामत और आ, इसके अलावा क्यामत जन्नत दोजक और फरिश्तों के मुतालिक जो भी हक बयान हुए हैं वो शक व शुभ से बाला तर हैं एन हक हैं, क्योंकि ये तमाम हकायक जो हैं, वो बयान करने वाली जात अल्लाह सुबहान तला की है जो कि कायन के, के खालिफ हैं। अच्छा इसी तरीके से इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन या दूसरी तावील ये हो सकती है कि इस किताब के अल्लाह होने में कोई शक नहीं इसके, ये जो किताब है इसके इसके नाजिल होने में और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने में कोई शक नहीं क्यों क्योंकि कोई इंसान उन उलूम का अहाता कर ही नहीं सकता जो कुरान पाक में बयान हुए हैं चाहे वो मज़ामीन के हिसाब से साइन, कोई साइंसी इनके इनकी शपात हो वो ब्लैक होल से मुताक कुरान पाक का बयान हो या रूह और आलम अमर से मुतान पाक के हक़ और दलाइल हो कोई भी शख्स इन हकीकतों को उतन इतने वसूख से बयान कर ही नहीं सकता तो बिलाशुबा इस कुरान की के जो वाहिद सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़्यादा ही हो सकती है अच्छा जब ये शुरू में ही कुरान पाक के बकरा के शुरू में ही हमें मिलता है कि ये इसमें दावा है कि ये किताब हर हर कस्म के शको शुबे से बाला तर है या, यानी कि दुनिया की लें कि मुनफरिद किताब है जो शुरू में ही दावा करती है कि ये एन हक है इस और हर तरह के शको शुबे से बाला तर है ज्यादातर किताबों में हमें अ क्लेमर या क्लेम नहीं मिलता बल्कि डिस्क्लेमर मिलता है ज्यादातर किताबों में डिस्क्लेमर मिलता है लेकिन ये किताब है इस लिहाज से मुनफरद है कि ये शुरू में दावा करती है कि ये जो कुछ बयान करती है वो शबुण शबुण से बालातर है फिर ये जो किताब है ये हिदायत है परहेजगारों के लिए हदलमत हदलम्तकीन यानी के हिदायत है रहनमाई फराहम करती है मत्तकीन लोगों के लिए परहेजगारों के लिए गॉड कॉन्शियस लोगों के लिए यहाँ हुदन का जो लफ्ज है वो इस्म है इसम नकरा यानी आम इसम लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये कोई भी आम हिदायत है बल्कि नकरा इसम में इस न, नकरा इसम में बलागत है यानी ऐसी अनमोल और बेशबहा हिदायत के इसका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता और मुतकीन और परहेजगारों के लिए खास है यानी इस हिदायत से वही लोग मुस्फिद हो सकते हैं जो परहेजगार हों गॉड कॉन्शियस हों उनकी फितरत फितरत सलीमा हो वो बुनियादी तौर पर हक की तरफ रागिब होने वाले हों उनमें इनहेरेंट क्वालिटी हो हक की तरफ रागब होने की अच्छा जब ये किताब जब ये आयत जो है ये कहती है कि आ, ये हिदायत है इस किताब से हिदायत वही लोग हासिल करेंगे जो कि परहेजगार हों हिदा, हिदायत है मुतकीन के लिए परहेजगारों के लिए तो इससे इस, इस आयत का एक पहलू ये भी निकलता है कि जो लोग मुतकीन नहीं है गॉड कॉन्शियस नहीं है या परहेजगारी नहीं इख्तियार करते तो मुमकिन है वो इस किताब से इस्ता हा, ना हासिल कर सके इस, इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है क्योंकि इस आयत में ये बयान हुआ परहेजगारों के लिए ये हिदायत है तो एन मुमकिन है जिस अगर परहेजगारी ना हो इस किताब पे अमल ना हो और इस पे यकीन ना हो जैसा कि अगली आयत में आएगा अः ईमान ना हो तो हो सकता है कि यह हिदायत से वो वो इस हिदायत से किताब में मौजूद मौ, मौ, होने वाली हिदायत के बावजूद वो इसफा हासिल ना कर सके अगर परहेजगारी ना हो गॉड कॉन्शियस ना हो अच्छा इसके अलावा आगे की आयात जो है उनसे उनके मुत से पता चलता है कि परहेजगारी या गॉड कॉन्शियस होना पहली सिफ्त है वो पहली सिफ्त है प्रे, फर्स्ट प्रे, है और इस किताब से फायदा उठाने के लिए अगली दो आयत में पांच मजीदिया बयान हुई है और वो क्या है वो जैसे इस जो हमारे सामने इस वक्त आयत है तीसरी आयत उसमें बयान हुई है इस, इस आयत में जो के सूर बकर आयत है आयत है इसमें तीन खसूसियात बयान हुई है एक तो ईमान की है और दो इबा, इबादात से मुताल है तो ये खसूसियात बयान हुई हैं उन लोगों की जो कि इस किताब से इस्तः हासिल करेंगे हिदायत हासिल करेंगे और बिल आखिर कामयाबीटीटली देर गोइंग टू बी सक्सेस जो सॉलवेशन अचीव अचीव करेंगे वो वो लोग होंगे तो वो क्या खसूसियत है अल्लाजीना यू बिल गए जो के आ, उ, उन चीजों पर ईमान लाते हैं बगैर देखे जो आ, वो चीजें जो के गैब के पर्दे में है नजर नहीं आती उन पे ईमान लाते हैं वह यकी मून सलाता और कायम करते हैं नमाज को वमे मरजकनाहुम ينफिकून और खर्च करते हैं उस उसमें से जो के हमने उन्हें दिया अब हम इस आयत को देखते हैं अललजीना अललजीना युमिनूना बिलगैब इस आयत के शुरू में अललजीना जो है ये अललजीना इस मौसूल है यानी कनेक्टर इसम है तो इस इसम के जरिए से ये पिछली आयत में मौजूद मुतकीन के लफ्ज से कनेक्टेड है ये पूरी आयत आयत जो है इसमें जो तीन खसूसियात बयान हुई हैं वो मुतकीन की खसूसियात हैं। ठीक तो मुतकीन कौन है अलजीना युमनुना बिलगैब वो लोग अल्लाजीना वो लोग ईमान लाते हैं बिल गैब गैब पर ईमान लाते हैं यहाँ गैब से मुराद उन हकी, हकीकतों पर ईमान जो नजर से पोशिदा हों, जिनका मुशाह इंसानी हवा से खमसा के जरिए से मुमकिन ना हो मसला खुदाबंदी, जन्नत और जहन्नुम। ये सब हमारे अक़ायद के वो बुनियादी अनासर हैं ये सब हमारे आ, अकायद के वो बुनियादी अनासर हैं जो कि हम देख नहीं सकते फरिश्तों को हम नहीं देख सकते जाहिर अल्लाह सुबह तला को भी नहीं देख सकते जन्नत और जहन्नुम भी अभी किसी ने नहीं देखी तो ये सारे जो अकायद हैं वो ईमान बिल गैब का हिस्सा है फिर दूसरी खसूसियत है वकीम व युकीमूना सलाता अच्छा इसमें युकीमुना का जो लफ्ज है ये अकामा युकीमु बाब इफाल से है बाब इफ़ाल से जब ये आता है इसका मतलब है इस्टेब्लिश करना नमाज को कायम करना नमाज इसमें सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है नमाज को कायम करना यानी के आ, आ, नमाज की पाबंदी भी करना और दूसरे उससे आ, नमाज को पाबंदी से पढ़ने के लिए जो सारे लवाजमात हैं उसको भी पूरा करना इनफ़रादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी तो युन सलाता नमाज कायम करते हैं फिर आ, अगली खसूसियत जो बयान हुई है वो है वह मिम्मा रजक नाहमयुन मिम्मा उसमें से और उसमें से रजून खर्च करते हैं किसमें से खर्च करते हैं जो कि हमने उन्हें अता किया रज़ नाहम उस रिस्क में से खर्च करते हैं जो कि हमने अता किया दे स्पेंड आउट ऑफ वॉट दे रिसीव फ्राम अल्लाह सुबा तयत में जो है वो तीन तीन अहम खुशियात बयान हुई हैं एक तो ये कि ईमान बिल गैब अः वही के अजों पर ईमान लाना जो कि नजर से पोशीदा हो इनविजिबल हों तो वो वही जो हमारा ईमान के बुनियादी अज्जा है हम अल्लाह सुबह को बगैर देखे हमारा ईमान है आ, और फरिश्तों पर ईमान है जन्नत और जहन्नम पे ईमान है तो ये सारे ईमान बिल गैब के अनासर हैं और फिर जो दूस अः दूसरी क्वालिटी दूसरी खसूसियत बयान हुई है परहेजगारों की वो है आ, नमाज कायम करना अच्छा नमाज कायम करने करने का कर ये कि अब हम ये देख रहे हैं कि हम इन इन आयत से हम आ, क्या नसीहत और सबक हासिल कर सकते हैं तो जो यकीमुन सलाता में आ, जो जो सबक है वो ये कि नमाज पढ़ना पाबंदी से पांचों वक्त और इसका जो कायम करना कायम करना इंफरादी तौर पे भी और इज्तमाही इंफरादी तौर पर कायम करना यानी के उसमें उसमे ये सारी चीजें आती हैं कि अपने जिस्म को पाक रखना उस जगह को पाक अपने लिबास को पाक रखना व, व, उसमें वजू तैमूम की सारे जो हदयात है वो आती हैं दूसरे जिस जगह पे हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक हो और इसमें नमाज के लिए पंक्चुअल पंक्चुअलिटी पूरा खुजू और खुशु अख्तियार करना और अगर इज्तमी तौर पर देखा जाए तो नमाज को कायम करने के लिए मसाजिद बनाना मसाजिद का इंतजाम करना और फिर जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि जो जो मुसलमानों की आ, के लिए मसाजिद बनाए उसकी मेंटेनेंस और इसके अलावा जो नमाज कायम करने में ये भी आता है कि हम जगह जगह वजू वजुख, खजू खाने बनाए रेस्ट एरिया बनाए एयरपोर्ट्स पे ट्रेन स्टेशन पे हॉस्पिटल्स में तो ये भी ये ये जो फैसिलिटेशन है नमाज के लिए हुकूमती सतह पे ये भी सलात में आती है नमाज को स्टेबलिश करने में इस नमाज को कायम करने में आती है तो और जो तीसरी आयत है में मारा जखना खून वो खर्च करते हैं उसमें से जो के अल्लाह तआला उनको अता करते हैं दे स्पेंड आउट ऑफ वे रिशीव तो एक तो ये कि जो रिस्क है उससे मुराद सिर्फ आ, पैसा नहीं है मनी नहीं है बल्कि रिस्क का मानी जो है वो बहुत वसी है हर वो चीज जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को अता होती है वो रिस्क है वो हवा भी हो सकती है वो पानी भी हो सकता है वो कजा भी हो सकती है वो आ, पैसा भी हो सकता है वो इल्म भी हो सकता है वो अक्ल भी हो सकती है तो ये स, तमाम रिस्क है। तो जो भी उन अल्लाह ताला की तरफ से उनको रिस्क मिलता, इल्म मिलता है जो भी नेमत मिलती है वो उसे खर्च करते हैं और खर्च करना खर्च करने में भी दो पहलू हैं एक तो ये कि अपने ऊपर खर्च करते हैं वो होर्डिंग नहीं करते और आ, उसके अलावा अपने ऊपर खर्च करने के बाद जो बाकी बचता है वो दूसरे जरूरतमंद लोगों पे भी खर्च करते हैं तो आ, वो जब अल्लाह सुबह उनको रिस्क से नवाजते हैं चाहे वो रिस्क किसी भी फॉर्म में हो चाहे वो इल्म हो तो वो अपने पास रख नहीं लेते हाँ अपने आ, होर्डिंग नहीं करते बल्कि उसको स्पेंड करते हैं इस्तेमाल करते हैं अप, अप, अपने ऊपर अपने अबीन अपने करीब रिश्तेदारों पर अप, अपने अः वालों पे और जो दूसरे मुसलमान हैं जो कि जरूरतमंद हैं, उन पे खर्च करते हैं अच्छा इसके अल्फाज पे अगर हम गौर करें कि वो वम्मा रजक नाह वो उसमें से खर्च करते हैं जो कि अल्लाह सुबह ने उनको अता किया तो अगर आ, किसी के पास एम्पल प्रोविजन नहीं है कोई आ, उनके उनके पास इतना सरमाया नहीं है या इतना रिस्क नहीं आया है तो उस सूरत में जो है वो अः कर्ज लेकर खर्च करना या कि अप, अपनी चादर से फैला पह, के खर्च करना जैसे आजकल के जमाने में है कि क्रेडिट ले कार्ड्स ले लेते हैं इतनी तनख्वाह नहीं होती लेकिन अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेते हैं अभी अल्लाह अभी वो सरमाया या वो आ, जो जो चीज वो खर्च कर रहे हैं वो पैसा उन उसके मालिक नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर रहे हैं तो जो आयत में है कि वो उन उसमें से खर्च करते हैं जो अल्लाह ताला ने अता किया तो इसमें ये भी है कि अगर किसी के पास इतना रिस वाफर مقدار में नहीं है तो जितना है उसी पे क़नात है और जब अल्लाह सुबह तआला उनको रिस प्रदान करें चाहे वो किसी भी सूरत में हो तो फिर उसको खर्च करें अच्छा इसमें ईमान बिल गाइब के सिलसिले में एक बात ये कि پوشیدہ चीजें ना जो के वो चीजें जो के नजर से پوشیدہ हों और इंसानी हवा हवासा के जरिए से ना हम नहीं देख सकते हो अच्छा जो ज्यादातर जो एथीस होते हैं और जो के रेशनलाइजेशन पे यकीन रखते हैं वो उनका यही होता है कि जब हम अल्लाह ताला को कैसे ईमान लाएं जिस या फरिश्तों को हम कैसे पर कैसे ईमान लाएं हम तो देख नहीं सकते तो जो ये सोच है जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है या रैशनलाइजेशन जो हमारे पढ़े लिखे तबके में होता है तो वो कहते हैं कि ना हम फरिश्तों को देख सकते हैं और कैसे ही मानना है लेकिन अगर एक एक ऑब्जर्वेशन है कि आज के जमाने में जो साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन के बाद एक हमारे पास एक और आलम गैब है जिसको हम सो so कॉल्ड कह सकते हैं जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल है और लेकिन इसकी हकीकत से कोई भी इनकार नहीं करता वो क्या है वो है इंटरनेट सेलफोन टेक्नोलॉजी हम हजारों मैसेजेस हजारों लाखों मैसेजेस ईमेल्स और टेक्स्ट जो है वो अपने सेलफोन पे देखते हैं। वो कहाँ से आ रही हैं कैसे आ रही हैं हवा में तहलील होके आ रही है कोई नजर नहीं आती वेव्स होती है ना नजर नहीं आती लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता वो भी तो हवा में तहलील होके आ रही है ना नजर नहीं आ रही है और ये तो आज की बात है जो आज से चालीस पचास साल पहले रेडियो वेव्स रे, रेडियो ट्रांजिस्टर्स होते थे उसमें भी शॉर्ट वेव्स लॉन्ग वेव्स एफएम वो सारी डिफरेंट वेव्स होती थी और हजारों 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 लाखों मील दूर जो है वो आवाज सुन ली जाती थी यानी के तरसील हो जाती थी आवाज की और लेकिन उसपे भी वो भी नजर नहीं आती इसी तरीके से जितने हम ऐसा नहीं होता कि हमारे सेल फोन में जब टेक्स्ट आने से पहले कोई हमें पेपर प्लेन छोटे छोटे नजर आ रहे हो हवा में उड़ते हुए और फिर आके हमारे सेल फोन में आते हो लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी है वो भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं सेल फोन सेल की जी, जी है और पता नहीं हजार कई तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं लेकिन उसको उस वो भी नजर नहीं आती लेकिन उसके हकीकत उस उसके लिए कोई नहीं है कहता है कि हमें नजर नहीं आती तो खैर ये अ, अलग बहस है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि, इ, जो कि इ, अपनी वजूद रखती हैं लेकिन वो नजर नहीं आती तो ये हमारा हमारा शुरू की तीन आयत का हमारी पढ़ना हुआ समझने मफहम हमने समझा पहली तीन आयत का सूर्य बकरा का और कोशिश की कि उससे हम अपनी जिंदगी में सबक और नसीहत हासिल करें

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته